5 हेल्थ इंप्रूविंग सीटेड योगा पोजेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि आप बैठे बैठे आराम से कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 5 योगासन कौन से हैं। बंध कोणासन। हम बटरफ्लाई किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैट पर आपको इस स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए, मतलब अपनी जो सोल है पैर का एक दूसरे से मिलाते हुए और फिंगर से मतलब इसे क्लच करते हुए दोनों हाथों को शरीर को एकदम टर्न के मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लॉक कर देना है। आपके जो हील है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ आपको ले जाने हैं, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये आपका पोस्चर हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नीज जो है नीचे की तरफ, ये बद्ध कोण आसन हो जाता है अगर आप इसको मूव करते हैं, तो ये है आपका बटरफ्लाई पोज। इस तरह से ज़्यादा आपको ज़मीन की तरफ मतलब आपका जो हिस्सा है आपका नीज है वो नीज आपके फ्लोर की तरफ लगने चाहिए। इसको आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। वज्रासन। सबसे पहले अपना मैट लीजिए, अपने पैरों को इस तरह से फैलाते हुए पहले इस स्थिति में मतलब दंड स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे की तरफ। अब एक एक करके अपने पैरों को पीछे की ओर लाइए, एक बार राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग। पोस्चर देखेंगे कि आपके जो टोज हैं एक दूसरे से मिले हुए हों या एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हो। आपके जो हील्स हैं ये आपके खुले हुए होने चाहिए, आपको हील्स के ऊपर बैठना नहीं है, ये रॉन्ग है। आपको हील्स इस तरह से खोलते हुए आपके हिप बिल्कुल इस तरह से टिकाने हैं अपनी हील्स के अंदर। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आपकी जो बैक है उसको ज़्यादा आगे की तरफ स्ट्रेच नहीं, ये आपको पीछे की तरफ इस तरह से मतलब आपके जो हिप हैं उनको अंदर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथ घुटनों की तरफ रखने हैं। सामने की ओर देखना है, आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान रखते हुए अंदर और बाहर। कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है एक्सरसाइज को करने में, स्टमक को अंदर बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ बैठना है इस मुद्रा में। भारद्वाज आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और वज्रासन की स्थिति में बैठना है इस तरह से। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो आप हील्स पर बैठे थे आपके जो हिप्स आपके हील्स पर थे उसको नीचे की ओर लाना है। ये वाला पैर आपका राइट साइड ही रहेगा और जो आपका लेफ्ट पैर है, जो लेफ्ट है या फिर राइट है, मैं लेफ्ट से कर रही हूँ तो हम लेफ्ट की तरफ ध्यान देंगे। लेफ्ट पैर को ऐसे थाई के ऊपर रखना है, ये भारद्वाज आसन का मॉडिफिकेशन आसन है। तो इसको यहाँ पर रखते हुए अगर जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको उतना ही करना है, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको नीचे ही रखेंगे, इस तरह से ही रखना है आपको। तो ये हमने ऊपर रखा, करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट किया और फिर अपने ये जो उल्टा हाथ है उल्टे हाथ को पीछे से लाए और अंगूठे को पकड़ने का ट्राई करना है। आपसे जितना हो सके उतना ही करना है, जैसे कि मैंने बोला आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पकड़ना है। अंगूठा पकड़ने के बाद आपको ये हाथ इस यहाँ पर या फिर इस नी पर इस तरह से रखना है, जितना आप ट्विस्ट हो सके, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। पीछे की ओर गर्दन को करते हुए बिल्कुल कंधे के सीध में आपकी जो चिन्ह है इस तरह से आए, चाहे आप यहाँ तक रुक जाएँ, चाहे आप यहाँ तक हों, चाहे आप पीछे की ओर जाएँ। अपने हाथ का ध्यान रखें, आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, अगर ओवर स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, इस जगह भी रख सकते हैं और फिर वापस आएंगे। अंगूठे को छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में रखते हुए पैर को फिर से नीचे करते हुए रिलैक्स होना है। और यही आपको जो आसन है दूसरी साइड से भी करना है बिल्कुल इसी तरह से। सामने से आपको इनहेल करना है और जैसे ही हम पीछे टर्न करेंगे तो हमें पीछे जाते हुए एक्सहेल कर देना है। तो ये हुआ हमारा भारद्वाज आसन। अर्थमते सिंद्रासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर ले आइए, कमर को सीधा कीजिए और थोड़ा श्वास पर ध्यान रखते हुए अब हम अपने लेफ्ट लेग को मतलब अपनी उल्टी पैर को ऐसे राइट पैर के नीचे की ओर लाना है और अपने हिप पर मतलब अपनी जो हिप है आपको हील पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद राइट पैर को अपनी नी जो आपने फोल्ड की है नी इसके आगे की तरफ मतलब उधर की तरफ रखना है, आपको ज़्यादा आगे नहीं रखना है। इस तरह से रखते हुए कमर को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले
आपका राइट हैंड पीछे की ओर आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करना है। आप अपनी एल्बो से सपोर्ट देकर अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं और ये हाथ आपका सीधा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और नेक पीछे की ओर। जब आप शुरू करते हैं तो आपको इनहेल करना है, पीछे आते हुए आपको एक्सहेल कर देना है। श्वास नॉर्मल रखनी है। आपको इसमें गर्दन ज्यादा नीचे या ऊपर या किसी तरह की कोई मूवमेंट, मतलब आपका जो शोल्डर है ज्यादा नीचे झुके नहीं, स्पाइन इस तरह से झुकनी नहीं चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा सीधा रखना है। और वापस आते हुए गर्दन को सबसे पहले, फिर आपको लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड को इस तरह से रखते हुए सेम पहले वाली पोजिशन में आ जाना है। इसी आसन को आपको दूसरी साइड से भी करना है। पश्चिमोत्तान आसन। सबसे पहले आप मैट ले लीजिए एक, और अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए। कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फोरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगनर है वो ज्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को ऊपर करके थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। तो ये थे वो 5 योगासन जो कि आप कहीं भी आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं और योगा से होने वाले फायदे उठा सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मिलेंगे किसी और योगासन के साथ। फिलहाल अभी के लिए जीवन कोश में बस इतना ही।